सो दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि आप पेटीएम पोस्ट पेड का पैसा यानी कि दोस्तों बैलेंस आपको जो लिमिट मिला हुआ है दोस्तों, जैसे कि यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, मुझे जो दोस्तों यहां पर लिमिट मिला हुआ है दोस्तों 1000 रुपये का दोस्तों लिमिट मिला हुआ है पेटीएम पोस्ट पेड का, ठीक है। तो इस दोस्तों पेटीएम पोस्ट पेड का दोस्तों लिमिट को आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर कैसे ट्रांसफ़र करोगे, आप ट्रांसफ़र करने का दोस्तों तो काफ़ी तरीका है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, काफ़ी लोगों को जो है चार्जेस लग जाता है। और मुझे दोस्तों आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले दोस्तों एक वीडियोज़ बनाया हुआ था जिसमें मैंने आप सभी को दोस्तों बताया हुआ था कि आप पेटीएम पोस्ट पेड का पैसा कैसे निकाल सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों वो वीडियो जो है थोड़ा सा पुराना हो गया दोस्तों, और आप यहाँ पर जो है बिल्कुल नया दोस्तों अपडेट आ चुका है पेटीएम का, तो उसी से रिलेटेड दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेटीएम पोस्ट पेड का दोस्तों जो बैलेंस है उसे हम अपने बैंक अकाउंट के अंदर कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, किस तरीके से दोस्तों बैंक अकाउंट के अंदर लेंगे, वो भी दोस्तों विदाउट चार्जेस। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं डिटेल में बताऊंगा दोस्तों कैसे निकालना है पैसा, स्टेप बाय स्टेप दोस्तों सारी चीज़ों को यहां पर मैं कवर करने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपका दोस्तों बैलेंस है पेटीएम पोस्ट पेड का, तो इस वीडियो को दोस्तों आज जो है आपको बिना स्किप किए देखना है। चलिए आगे, पहले मैं आपको अपना दिखाता हूँ दोस्तों कि मुझे कितना लिमिट मिला हुआ है और इस पैसे को बैंक अकाउंट के अंदर कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, चलिए फटाफट से शुरू। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं मैंने बैलेंस हिस्ट्री अपना खोल दिया दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे होंगे कि अभी हमारा जो बैलेंस बचा हुआ दोस्तों पेटीएम पोस्ट पेड का, वो दोस्तों बचा हुआ है 999 रुपये, यानी कि दोस्तों 1 रुपये जो है मैंने इसे पहले ट्रांसफ़र करके देखा दोस्तों, यहाँ पर मुझे कोई चार्जेस नहीं लगा, किसी प्रकार का दोस्तों मुझे कोई कमीशन नहीं लगा, तब जा करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों जो भी वीडियो बनाने से पहले सबसे पहले मैं उसके ऊपर भी जाँच करता हूँ, चेक करता हूँ सबसे पहले कि जो मैं बना रहा हूँ वीडियो वो 100% वर्किंग है या नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैं आपको बता दोस्तों, यहाँ पर मैं कट कर देता हूँ और होम पेज पर दोस्तों आ जाता हूँ डायरेक्ट। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पेटीएम बिजनेस अकाउंट जो है आपको प्ले स्टोर से दोस्तों पेटीएम बिजनेस ऐप को दोस्तों आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने डाउनलोड करके दोस्तों पेटीएम बिजनेस का अकाउंट बना रखा है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आगे बताऊँगा आपको कि कैसे काम करेगा, सारा चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने पेटीएम बिजनेस अकाउंट को दोस्तों ओपन कर लिया है, आपको भी दोस्तों पेटीएम बिजनेस अकाउंट को आपको दोस्तों डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, और आपको उसके अंदर में अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद दोस्तों पेटीएम बिजनेस अकाउंट का दोस्तों जैसे अकाउंट बना लोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं होम एंड दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा माइक की वार। अब ध्यान से दोस्तों देखिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पर मेरा सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों बैंक स्टेटमेंट एंड दोस्तों यहाँ पर 00 दिखा रहा है, यानी कि दोस्तों अमाउंट जो है अभी हमारे पास बिल्कुल भी दोस्तों हमने यहाँ पर ट्रांसफर अभी नहीं किया है, पहले मैंने ट्रांसफर किया था दोस्तों, अभी मैं ट्रांसफर करके दिखाऊंगा और भी दोस्तों विदाउट चार्जेस, और वो पैसा बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों तुरंत के तुरंत सेटल भी होगा। तो यहाँ पर दोस्तों माइक क्यूआर का ऑप्शन मिलता है पेटीएम बिजनेस अकाउंट के अंदर, माइक क्यूआर में हम क्लिक करेंगे। पेटीएम बिजनेस अकाउंट क्या होता है वो भी आपको आगे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे एक देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे एक क्यूआर कोड दिख रहा है, इस क्यूआर कोड को दोस्तों हम स्कैन करेंगे। आपको भी दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या करें, इसे एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, या दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग डाउनलोड क्यूआर, डाउनलोड क्यूआर में क्लिक करेंगे एंड दोस्तों यहाँ से जो है आप अपना क्यूआर को दोस्तों डाउनलोड कर लेंगे। अब ये क्यूआर किस तरीके से काम करता है और इसका क्यूआर हमें कैसे बनेगा सारा चीज़ आपको पता चलेगा, वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा दोस्तों, पेटीएम बिजनेस यानी कि दोस्तों पेटीएम अकाउंट को ओपन करूँगा जिसमें दोस्तों हमारा लिमिट है पेटीएम पोस्ट पेड का, एंड दोस्तों पेटीएम पोस्ट पेड का जिसमें लिमिट है उस यानी कि हम पेटीएम अकाउंट को ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर एक ऑप्शन हमें मिला देख सकते हैं स्कैन एंड क्यूआर, इस वाले ऑप्शन में हम दोस्तों क्लिक करेंगे स्कैन एंड क्यूआर में। अब यहां पर दोस्तों क्लिक करने के बाद अब जो हमने दोस्तों पेटीएम बिजनेस अकाउंट का दोस्तों जो क्यूआर कोड अभी हमने डाउनलोड किया था उसको दोस्तों हम यहाँ पर गैलरी में जा करके जो है सबसे फटाफट से यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे दोस्तों उसे अपलोड कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों गैलरी का ऑप्शन मिल रहा है, आपको भी दोस्तों गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा, गैलरी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है एंड दोस्तों जैसे गैलरी में क्लिक करोगे तो आपके दोस्तों गैलरी में जितना भी रहेगा इमेज वो दिखा देगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्लिक कर लेते हैं अपना जो है पेटीएम बिजनेस क्यूआर, ठीक है, जो अभी हमने डाउनलोड किया है। और यहाँ पर दोस्तों डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पर जो है स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद दोस्तों कुल मिला करके दोस्तों देख सकते हैं, अब यहाँ पर मुझे जो है यहाँ पर जिसके नाम से दोस्तों क्यूआर थी यानी कि पेटीएम बिजनेस अकाउंट रहेगा उसका नाम दिख जाएगा, और वहाँ पर दोस्तों ऊपर में अमाउंट डालने के लिए बोला जा रहा है योर पेंडिंग अमाउंट, यहाँ पर दोस्तों अमाउंट डाल देता हूँ 1 रुपये में डालता हूँ, ज़्यादा दोस्तों नहीं डालता हूँ क्योंकि आप सभी को सिर्फ मुझे दिखाना है। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ऊपर में ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों, देख सकते हैं पेटीएम पोस्ट पेड, पेटीएम लाइट, पेटीएम वॉलेट, यहाँ पर दोस्तों काफ़ी तरीके का ऑप्शन हमें यहाँ पर शो कर रहा है।
यानी कि दोस्तों एक क्यूआर कोड को स्कैन करके, यहाँ पर लोगों को क्या होता है कि क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, पेटीएम पोस्टपेड का जो है ऑप्शन ही उन लोगों को नहीं मिलता है, ये ऑप्शन जो है दोस्तों इनेबल नहीं रहता, उन लोगों को डिसेबल रहता है। तो ये इनेबल कैसे होगा ये भी आपको पता चलेगा, तो ध्यान से आप देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर जो है मेरा सारा जो है यहाँ पर डिवाइस में दोस्तों, यहाँ पर जो है पेटीएम पोस्ट पेड का दोस्तों सबसे फास्ट में ही दोस्तों हमें ऑप्शन शो कर रहा है। और यहाँ पर दोस्तों ओपन होने के बाद आप सभी देख पा रहे होंगे पेटीएम लाइट, पेटीएम वॉलेट एंड दोस्तों यहाँ पर बैंक अकाउंट का भी ऑप्शन शो कर रहा है। सारा चीज़ दोस्तों हम लोगों के पास यहाँ पर जो है शो कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों शो करने के बाद यहाँ से अब हमारा क्या फ़ायदा है दोस्तों, और क्या यहाँ से जो है हमें नुकसान है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ₹1 सेंड कर दिया, अब ये दोस्तों अमाउंट जो है सेंड हो चुका है। अब यहाँ पर काफ़ी लोग कहेंगे कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस तरीके से ट्रांसफ़र कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपको क्या करना होगा। आपको दोस्तों प्ले स्टोर से अब यहाँ पर मैं पहले हिस्ट्री दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, पहले मेरे पास दोस्तों पेटीएम पोस्टपेड का बैलेंस कितना था, ₹999। अभी दोस्तों ₹998 बचा है, ₹1 दोस्तों ट्रांसफर हो चुका है। वो दोस्तों मैं पेटीएम बिजनेस अकाउंट के अंदर दोस्तों वो पैसा चला गया है। अब पेटीएम बिजनेस अकाउंट के अंदर भी मैं आपको जा करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री दिखा दिया दोस्तों, बैलेंस दिखा दिया। अब यहाँ पर मैं बिजनेस अकाउंट को ओपन करता हूँ, पेटीएम बिजनेस अकाउंट को। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ऊपर में दोस्तों मुझे ₹1 दोस्तों देखने को मिल रहा है, जैसे कि देख सकते हैं टोटल कलेक्शन। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ऊपर में हमें ऑप्शन शो कर रहा है एंड दोस्तों यहाँ पर पेंडिंग शो कर रहा है, और ऊपर में दोस्तों आपको ₹1 का दोस्तों कलेक्शन शो कर रहा है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आपको पैसा किस तरीके से निकलेगा, आपको दोस्तों प्ले स्टोर से जो है आपको पेटीएम बिजनेस अकाउंट को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसका लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। उस एप्लीकेशन को दोस्तों आपको डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको पेटीएम बिजनेस अकाउंट बनाना है। और पेटीएम बिजनेस अकाउंट बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको एक दोस्तों क्यूआर कोड दिया जाएगा दोस्तों पेटीएम की तरफ से। तो पेटीएम की तरफ से दोस्तों क्यूआर कोड दिया जाएगा, तो उस क्यूआर कोड को दोस्तों स्कैन करके जो है आप अपने पैसे को दोस्तों बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट चार्जेस। लेकिन दोस्तों इसका ये है सबसे बड़ा, मैं आपको बता दूं, आप पैसा जैसे ट्रांसफर करोगे तो तुरंत के तुरंत दोस्तों आपका बैलेंस जो है बैंक अकाउंट के अंदर नहीं जाता दोस्तों। 12 घंटे का दोस्तों आपको यहां पर समय लगता है, 12 घंटे बाद दोस्तों ये पैसा जो है सेटलमेंट होता है दोस्तों आपके अपने पेटीएम बिजनेस अकाउंट के अंदर जो आपने ट्रांसफर किया था वो पैसा दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों इस तरीके से जो आप लोग पैसे को दोस्तों बैंक अकाउंट के अंदर निकाल सकते हैं पेटीएम बिजनेस अकाउंट की मदद से। और दोस्तों ये पैसा निकलेगा सिर्फ और सिर्फ दोस्तों पेटीएम बिजनेस अकाउंट की मदद से, जैसे कि यहाँ पर आप हिस्ट्री में देख पा रहे होंगे, टाइमिंग भी दोस्तों देख पा रहे होंगे, सारा चीज़ मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखा दिया। तो अगर आपको दोस्तों पैसा निकालना है तो आपको जो है पेटीएम का बिजनेस अकाउंट बनाना होगा। अगर दोस्तों आप पेटीएम का बिजनेस अकाउंट नहीं बना सकते तो आपको दोस्तों एक स्क्रीन पर एक नंबर शो कर रहा होगा दोस्तों, उस नंबर पे कॉल करके हमें डायरेक्ट आप अपना दोस्तों जितना भी आपका पोस्टपेड का बैलेंस होगा वो आप निकलवा सकते हैं, अगर दोस्तों आपकी मर्जी रही तो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, उस पर जो है आपको थोड़ा बहुत कमीशन लगेगा, जो कमीशन दोस्तों कंपनी को देना पड़ेगा। वो नंबर मैंने आपको यहाँ पर दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, स्क्रीन पर भी शो कर रहा है। तो दोस्तों उस नंबर पर कॉल करके जो है आप अपना पैसे को निकलवा सकते हैं, आपका पैसा दोस्तों, हालांकि हम लोगों के पास दोस्तों यहाँ पर जो है जो कंपनी के पास सेटलमेंट थोड़ा दोस्तों लेट से होता है, लेकिन वो पैसा दोस्तों आपको तुरंत के तुरंत दोस्तों आपके बैंक अकाउंट के अंदर रिफंड मिल जाएगा। और दोस्तों किसी प्रकार का जो कोई भी फ्रॉड का और किसी तरीके का दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपको अगर पैसा निकलवाना है तो निकलवा सकते हैं, नहीं तो दोस्तों जैसा मैंने आपको रास्ता बताया पेटीएम बिजनेस अकाउंट के अंदर दोस्तों आप अपना पैसा पेटीएम पोस्टपेड का निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब।